Excuse me, sir. हाँ जी? क्या मैं किधर है? क्या काम है? अरे ये मैक के होने वाले बच्चे की माँ है। क्या? मेरा मतलब मैक की मंगेतर है अंजलि, जो मैक से मिलना चाहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप हैं मैक की मंगेतर? हाँ, हाँ। जी, मैक इस वक्त यहाँ पर है क्या? ऑफ कोर्स है ना, वो कब से आप ही का तो इंतजार कर रहे हैं। मिलवाता हूँ। परफेक्ट, कितना काम करता है। मैं देखो कौन आया है। कौन आया है? मैं तुम्हें से दूसरी लड़कियों के साथ नहीं देख सकती। अच्छा देखो देखो, मेरी बात सुनो, तुम मेरी मंगेतर हो, ठीक है? मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं मुझ पर विश्वास करो। अब ये काम करो, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें आकर समझाता हूँ। ओके, आई लव यू, बाय 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 बाय। ये अपना पल्लू पल्लू। हाँ, हलकट, इसको यहाँ क्यों लेके आए? अरे मैं नहीं लाया, वो लाई मुझे यहाँ पर। और मुझे क्या मालूम तुम वो गोपियों के साथ रासीला खेल रहे हो। साले, देना है तो पूरा देना, कोई उधारी मत रखना। दो महीने से गाड़ी का किराया नहीं दिया, गाड़ी पेट्रोल चलती, कोई पेशाब नहीं चलती। दे दूंगा, गुस्सा मत कर। चल चल जा, इसको लेके जा, आराम से आराम से लेके जा, लेके जा, लेके जा। बाय बाय डार्लिंग, बाय। चल जल्दी 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 निकल। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। Congratulations. शाम, तुमने जो अवार्ड जीता है उससे हमारे कंपनी का नाम ऊंचा हो गया है। कौन सा अवार्ड? इंटरनेशनल प्रेस फोटोग्राफी का अवार्ड मिला है इसे। तुमने देखा नहीं, सारे अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है। तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया। और कंपनी को जो इनाम 1 करोड़ मिलेगा उसमें से 10 लाख तुम्हारे लिए। थैंक यू सर। ऐसे उदास गाने क्यों गा रहे हैं? ऐसे चूसे हुए आम के जैसे गाने क्यों गा रहा है? अरे भूल जा अपने दोस्त को, कहीं से फोटो लेके आया, चिपका दी और अवार्ड लेके उड़ गया ना वो। हैं? इसलिए बोलता हूँ भाई, ईमानदारी की पिपुड़ी बजाते रहोगे तो एक दिन बहरे हो जाओगे। देख, तेरा घर गया, बाइक गई, लड़की भी गई, सब कुछ उसका हो गया, ऊपर से वो तुम्हारा बॉस हो गया। क्या तू उसे हराना नहीं चाहता? अरे मेरा बॉस चले ना तो उसने मेरा घर छीना ना, उसके सामने मैं अपना बंगला बनाऊंगा। मेरा बाइक लेके गया ना वो, उसके सामने मैं 3-3 इम्पोर्टेड गाड़ियां घुमाऊंगा। मुझसे मेरी मैगी छीन ली ना, मैं उसकी सारी गर्लफ्रेंड छीन लूंगा। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा है? लड़कियों के मामले में क्या है कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए? अरे चंपक, लड़कियों की तू फिक्र ही मत कर, एक से एक आइटम को मिलवा दूंगा। लेकिन ए, मैंने जन कल्याण सेवा मंडल नहीं खोल के रखा है, मैं हूँ लेकिन मुफ्त नहीं हूँ। जानता हूँ मुफ्ती, जानता हूँ। मैंने कहा था ना, यही है वो लड़का जो पिछले 1 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है एयरपोर्ट के बाहर, तुमसे मिलने के लिए, सिर्फ तुमसे हेलो कहने के लिए। और ये है पूजा, एयर होस्टेस है, फास्ट एयर में काम करती है। हाय, आई एम मकरन। हाय, आई एम स्वीटी फ्रॉम हाई फाई एयरवेज। यू कैन कॉल मी मैक। हाय, आई एम दीप्ति फ्रॉम जेटस्पीड एयरवेज। उस सेठ को तो मैं पटा लूंगा। हाँ। लेकिन वो 3 आइटम बम जो मैंने पटाई है उसके लिए गाड़ी तो चाहिए भाई। नहीं, गाड़ी का हो जाएगा, गाड़ी चिंता तू मत कर। गाड़ी तो मैं तुझे लड़की से बढ़कर दूंगा, लेकिन रोज भाई गाड़ी दूंगा इस बात की गारंटी नहीं है। नहीं कोई बात, तू अपने आइटम लोग को बोलना, तेरे पास बहुत सारी गाड़ियां है। हाँ बोल। अगर मुझे दारू की बोतली रोज नहीं मिली ना तो तुझे गाड़ी तो नहीं मिलेगी, तुझे स्टीयरिंग मिलेगी। पकड़ के लेफ्ट राइट करते रहना। कसम से पागल है रे। नाम? जी मकरंद गोडपुले, मैक बोलते हैं प्यार से। काम क्या करते हो? जी मैं फिलहाल तो काम की तलाश में हूँ। घर की रखवाली कर सकते हो? जी वो अच्छी तरह कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ, वो आप जो बोलोगे मैं कर सकता हूँ। वैसे मैं अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन तुम अच्छे परिवार से लग रहे हो। वैसे मैं बहुत बाहर रहता हूँ, पोर्ट लुई में मेरा एक फ्लैट है, तुम कल आके चाबी ले जाना। ऑन। खोलो तो। ये कौन है? मैंने तुझे बताया था ना। अरे यही तो वो आदमी जिसके बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, मांबो। सारे लोग इसे अंकल मांबो कहके पुकारते हैं। तो उसको यहाँ तो बुलाओ। अंकल,
अंकल ये मकरंद भाई हैं, सब लोग इन्हें मैं कह के बुलाते हैं। हेलो, एटीट्यूड प्रॉब्लम। इसको सब समझा दिया? हाँ, सब कुछ बता दिया। मेरे बारे में सब बता दिया, सब कुछ क्लियर। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुंबर चटनी नहीं बना सकता। ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गोंद सकता। गैस चाहिए, चूल्हा नहीं चला सकता। वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते। डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता। और बड़ा फ्रिज चाहिए, क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। क्लियर? टीवी हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बनेगा, और डे नाइट मैच होगा होटल से खाना मंगा लेना। ठीक है। और मार्केट में शॉपिंग करने के लिए मैं जाऊंगा, और कोई मुझे हिसाब के बारे में नहीं पूछेगा। जी सेठ जी, और कुछ चीजें? बस मैं अपनी बातें बोल लूं? बिल्कुल जी। ऐसा है, हम लोग क्या है, सब लोग जवान लोग हैं। हम लोग यहाँ मौज मस्ती खेल कूद सब करते हैं, तो किसी भी हिसाब की दखलंदाजी नहीं चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे वो करो। मेरी मांगे पूरी होनी चाहिए और एक तरह को पगार मिल जानी चाहिए। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की। जानती हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो यही सोच रहा था कि मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा हुआ है। फिर जाके याद आया कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। तुम तो वही लड़की हो जो मेरे सपनों में आया करती थी। तुम जानती हो ये क्या है? क्या है? अंगूठी। ये वो अंगूठी है जो मेरी परदादी ने मेरी दादी को दी, और मेरी दादी ने मेरी माँ को, और मेरी माँ ने मुझे। और मुझसे कहा था, बेटा जिस दिन तुम्हें अपनी जीवन साथी मिल जाए ना, ये अंगूठी उस लड़की को पहना देना। और गेस व्हाट, भगवान ने मेरी इच्छा सुन ली और आज वो लड़की दे दी मुझे। सच? ये क्या कर रहे हो, अंगूठी क्यों निकाल दी? अब तुम मेरी मंगेतर हो गई हो ना। अब तो ये अंगूठी उसी दिन पहनाऊंगा जब हमारी शादी हो जाएगी। उस दिन के बाद ये अंगूठी हमेशा तुम्हारी उंगली पे चमकती रहेगी। So sweet. छगन, छगन, चल बेटा गाड़ी चला। बब्बन। Come on, darling. Come. Come. तुम जानती हो क्या है? ये अंगूठी है। अंगूठी है, लेकिन बहुत स्पेशल अंगूठी है। ये अंगूठी मेरी परदादी ने मेरी दादी को दी थी, मेरी दादी ने मेरी माँ को, और मेरी माँ ने मुझे। और साथ में ये कहा था, जिस दिन अपने जीवन साथी ढूंढ लोगे बेटा, ये अंगूठी उसे पहना देना। और आज मैं वही करने जा रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? अब तो मेरी मंगेतर हो गई हो। ये अंगूठी मैं उसी दिन पहनाऊंगा जब तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी। उस दिन के बाद ये अंगूठी हमेशा के लिए तुम्हारी उंगलियों पे चमक जाएगी। कंट्रोल वो तुम्हारा फिर चुप रहा। कम ऑन। तुम्हारी उंगलियां कितनी खाली है जानती हो स्वीटी? ये जो अंगूठी है ना, ये मेरी परदादी ने मेरी दादी को दी थी, मेरी दादी ने मेरी माँ को, और मेरी माँ ने मुझे। और साथ में ये कहा था कि जिस दिन मुझे अपने जीवन साथी मिल जाए, उसे मैं ये अंगूठी पहना दूँ। और तुम मुझे मिल गई। I'm so happy. ना, अभी नहीं। क्यों? अब तो तुम मेरी मंगेतर हो गई हो ना, शादी के दिन ही तुम्हें मैं ये अंगूठी पहनाऊंगा। तू ना क्या कदम? अरे शर्मा गई। फलक देखो, जमी देखो, जहां देखो तेरा चेहरा वही देखो। सलामा सलामा, सलामा सलामा, सलामा सलामा, सलामा। फलक देखो, जमी देखो, जहां देखो तेरा चेहरा वही देखो। हर एक मंजर तेरा मंजर, वो क्या मंजर जहां तुझको नहीं देखो। जान, I'll miss you a lot. पता नहीं मैं क्यों एरो सुसु। मेरा मन नहीं कर रहा जाने। फिलहाल जाओ, काम करना बहुत जरूरी है, ओके? Go 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 now. Come on come on come on come on come on. अच्छा ज़्यादा देर खड़ी मत रहना प्लेन में, ओके? Bye bye. अरे किधर गई वो? Mac, hey Mac.
ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, एक मिनट पहले ही आया, लेकिन वो एक मिनट 100 साल के बराबर था। कम, लेट्स गो। एक मिनट बैग तो ले लो। ओके ओके, कम, लेट्स गो, लेट्स गो। चंपा आ रही है, चमेली जा रही है, बैंकॉक टेक ऑफ हो गया, सिंगापुर लैंड हो गया, मुंबई फ्लाइट होती है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये आदमी इसी तरह यहाँ खड़ा रहता है, इसे और कोई काम नहीं है क्या? पता नहीं। तुमने इसे जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है, ये तुमने क्या छुपा के रखा है? कुछ नहीं, कुछ 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 नहीं। तो फिर हाथ रख के पीछे क्यों खड़ा है? अरे देवी, कभी कभी आदत होती है, कोई ऐसा खड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो फिर वो दिखाता क्यों नहीं कि उसने पीछे क्या छुपा रखा है? मुझे देखना है। मैं नहीं दिखा सकता। कान में फुसल फुसल क्या कर रहा है? हमको नहीं देखना तेरे पास क्या है, रखो अपने पास। लेट्स गो इन आवर रूम, आराम से बैठ के बातें करते, तुम डांटी वांटी चेंज वेंज कर लो। मेरी बात जब तक वो नहीं दिखाता कि उसने पीछे क्या छुपा रखा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं दिखाऊंगा तो तूफान आ जाएगा यहाँ पे। तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, देख के आऊंगी। मुझे लगता है मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, ये तुम्हें बचाने के चक्कर में किसी दिन मेरी पतरून सचमुच फट जाएगी। मैक या जान, मैक ये मटन कटलेट्स किसके लिए हैं? मटन कटलेट क्यों बनाया इसने? लगता है अपनी मर्जी से अपने लिए कुछ भी बनाता रहता है। तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो उसे? You're right. Mambo! किसको पूछ के तुमने मटन कटलेट बनाया? मैं पूछता हूँ, किसको पूछ के तुमने ये मटन कटलेट बनाया? तुम्हें नहीं मालूम कौन खा रहा था? मैं, तुम मटन खाते हो? मैंने कब मटन खाया? मैंने कब कहा तुमने खाया? फिर किसने खाया? उसने। किसने? याद दिलाऊं किसने? हाँ बोलो। ओ जो सुबह सुबह खाके गया था उधर से। मेरे को याद है, मेरे को याद है, मेरे को याद है, बोलना मत, मेरे को बता, मैं सही हूँ कि नहीं। ये मेरा दोस्त है, अपना शाम। कौन शाम? कौन शाम? हाँ शाम, सैम मेरा दोस्त है, अमेरिका से आया, कल रात को ही, कभी आया कल रात को नहीं, आज सुबह आया, बल्कि अरे अरे हाँ आज सुबह आया, उसी ने कटलेट बनाया, उसी के लिए बना था, सच्ची कसम से, यू डोंट बिलीव मी, थैंक गॉड आई रिमेंबर इट। अरे मैक, अरे भाई तेरे लिए ईमेल आया है। पागल हो जाओ। किसका ईमेल है? शाम का, वो कल अमेरिका से आ रहा है। अमेरिका से आ रहा है? अभी तो तुमने कहा कि शाम नाश्ता कर रहा था। किसने कहा? हाँ मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा, लेकिन ये शाम वो शाम नहीं है। तो सुबह कौन आया था जो मटन कटलेट खा रहा था? वो अलग शाम है, वो अलग शाम है, जो कल आने वाला ना अमेरिका से, वो मेरा दोस्त है शाम। तो ये शाम कौन है? तेरे को नहीं मालूम? ये ईमेल कौन लाया? ये वो शाम कौन है? मेरे पांच दोस्त है, पांच, पांचों का नाम शाम है, तू क्या पांचों को जानता है? मेरे पांचों दोस्त का नाम शाम है, ये सिर्फ एक ही को जानता है, ये पागल है, इसका अलग ही ट्रैक रहता है। अरे सफेद नाक, फिर नाक की तरफ फनफनाना शुरू कर दिया, बोलना मेरे को ईमेल मिला नहीं, और वैसे भी उस गद्दार से कौन बात करेगा? ये वो तो चाहता तू उसे एयरपोर्ट लेने जाए। एयरपोर्ट मेरा कुत्ता जाएगा उसको लेने। कुत्ता कब पाल लिया तू? ए कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। देख वो तेरा बॉस है, तुझे जाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। ए राजा हरिश्चंद्र की औलाद, एक झूठ नहीं बोल सकता भाई के लिए। तू भाई के लिए बोल सकता हूँ, दिल खोल के बोल सकता हूँ खुशी से। बस होगी, बहुत खुशी होगी, इससे ज्यादा खुशी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। हेलो मैक, क्या हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ, तुम हाफ क्यों रहे हो? वो मैं दौड़ रहा था। क्यों दौड़ रहे थे? दौड़ रहा था मतलब मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था। अच्छा सुनो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मेरी फ्लाइट लेट हो चुकी है, मैं घर आ रही हूँ। तुम मत यहाँ, यहाँ मत आना। नहीं तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने सोचा था कि हम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारेंगे, और तुम की? मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? मैं आता हूँ ना एयरपोर्ट पे। सुनो तुमको आने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी टैक्सी बुलवा ली है। अरे टैक्सी के तेल ले ले, मैं आता हूँ ना पूछा एयरपोर्ट पे। बाय बाय बाय। कौन था? रिश्तेदार। रिश्तेदार? कौन रिश्तेदार? करीबी रिश्तेदार। कौन करीबी रिश्तेदार? देखा जाए तो रिश्ते में वो मेरे एक आधे बाप की तरह। सौतेला चाचा है मेरा। तुमने पूजा कहा? हाँ तो कहा ना पूजा। कौन थी वो? थी नहीं, वो था। किसी भी आदमी का नाम पूजा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, वो मेरे पूजा चाचा हैं। जानते हो तुम, एक्चुअली उनका नाम पुजारी है, और जब भी मोहल्ले से निकलते थे बच्चे उनको पुजारी पुजारी कहके बुलाते थे। एक दिन वो तंग आके उन्होंने पुजारी में से री निकालते, सिर्फ पूजा रह गया, आज वो मेरे पूजा चाचा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैम्बो, मैम्बो। उसको क्या बुलाती है, उसको कड़ी चावल बनाने से फुर्सत मिले तब ना। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास नहीं है? नहीं, मैं अपने पिताजी कसम खा के बोलता, बस
ये तुम्हारे पिताजी हैं जी। तुमने कभी बताया नहीं, तुमने कभी पूछा मुझसे? मेरी फैमिली में इंटरेस्ट लिया तुमने? ये उनकी जवानी की तस्वीर, ये मेरी मम्मी और ये नटखट मैं। हाउ स्वीट। और ये माँ बाप भी पैदा कर लेता है। अच्छा सुनो, पूजा चाचा आ रहे तो मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, उनसे बात बात करनी है बिजनेस की है, और उनको मैं अगली फ्लाइट में छोड़ के वापस लौट आऊंगा। तब तक तुम कपड़े बड़े पहनो, हाँ ठंड लगेगी। मैं आता हूँ ना। ध्यान से मेरी बात सुन, मुंबई फ्लाइट ने उड़ान भरी नहीं है, अगर बाई चांस मुंबई फ्लाइट यहाँ पहुंच जाए तो उसको बैंकॉक फ्लाइट से मिलने मत देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुंबई फ्लाइट और बैंकॉक फ्लाइट टकराए, क्योंकि अगर वो टकरा गई तो मैं मर जाऊंगा किसी भी हालत में। प्लीज हेलो, इज इट अर्ली? ओके, मैं एयरपोर्ट पहुंच रही हूँ। राइट मैम, वो मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं जा रही हूँ। एक बात कहूँ? लगता है अपने पिछले जिंदगी में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बहुत मौका मिल रहा है। जान, तुम तारीफ कितनी करते हो। बस यही तो प्रॉब्लम है, दिल चीर के दिखाऊंगा तब विश्वास होगा, तब भी लगेगा मैं झूठी बोल रहा हूँ। हाय मैक, अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मैं सोचा तुम मुझे लेने आ रहे हो, चल करने लगा। सुनना, उधर जाके बैठना, हम लोग बिजी है, जाना। हाय हाय पूजा। अरे हम दोनों बहुत जिगरी दोस्त है, इतने जिगरी दोस्त है कि एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अभी इतने भी जिगरी दोस्त नहीं हम लोग, समझे ना, उधर जाके बैठ। अरे तू ऐसे कैसे बोल सकता है यार। अरे तुम बैठो ना। ए हाय, अरे हम लोग साथ में ही काम करते थे, मुझे इंटरनेशनल फोटोग्राफी का अवार्ड मिला और मेरा प्रमोशन हो गया और मैं अमेरिका चला गया। ये मेरे होने वाली पत्नी है। यस, अगर आपको एतराज ना हो तो हम लोग कुछ प्राइवेट बात करना चाहते हैं, कोई और टेबल पे बैठना प्लीज प्लीज। अरे तो करना, वैसे भी तुम्हारे और मेरे बीच में कोई प्राइवेट जैसी चीज है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, वो गलत नहीं समझेगी और वो जानती है कि हम दोनों कितने जुगरी दोस्त हैं। जान मैं अभी ऑफिस में रिपोर्ट करके आती हूं, ओके ओके, क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि मैं। ओके डार्लिंग, ओके ओके, बाय बाय। हे कहां जा रहा है? वाह क्या कमाल की सेटिंग की है तूने, लेकिन सुन ये सेटिंग और भी नमकीन हो सकती है। एक काम करते हैं, मेरा लगेज वहाँ पे पड़ा है, उसे उठाकर तेरे घर पे लेके चलते हैं। हाँ फिर दो दिन क्या, पांच छह लड़कियों की सेटिंग साथ में करेंगे, दोनों भाई भाई। हाँ चल चल चल, हट हट भाग ऐसे, हट हाथ मत लगा, चल। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह संदिल नहीं हूँ, मैं किसी का उधार रखता नहीं, पूरा चुका देता हूँ। शट अप, तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये मेरा घर है। ये मेरे जिगरी दोस्त का घर है। कौन दोस्त? मकरान दीनदयाल चटपटिया। तुम मकरान के दोस्त हो? हाँ, अब ये बताओ ये तुम्हारा घर कैसे हो गया? मैं मैक की मंगेतर हूँ। अच्छा तुम ही वो लड़की हो जो मैक से शादी करने वाली हो, किसी की मंगेतर होकर ऐसे गैर मर्द के साथ वो करते शर्म नहीं आती? मुझे लगा कि तुम मैक हो, लेकिन तुम्हें तो पता था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? किसी गैर औरत के साथ यू 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 करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने सोचा कि तुम मैक हो। और जब मैं चिल्ला रही थी तब भी तुम्हें पता नहीं चला कि मैं एक लड़की हूँ? मुझे लगा कि मैक हंस रहा है। अच्छा अच्छा छोड़ो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, जाने दो जाने दो जाने दो। हेलो हेलो, उठाने के बाद भी पूछते। हेलो हेलो हेलो, मैं अंजलि। कौन अंजलि? क्या अंजलि अंजलि, क्या हाल है? तुम तो मुझे भूल ही गए ना। अरे कौन कमबख्त भूल गया तुम्हें, तो बोलो आज का दिन क्या है? आज का दिन संडे संडे। तेरे को पूछा क्या कमीने? संडे संडे, आज संडे संडे, वो तो मुझे ही पता है, लेकिन आज के दिन में खास क्या है? आज के दिन क्या खास है, आज गांधी जयंती है ना? गांधी जयंती नहीं, आज मेरा बर्थडे है, और तुम वो भी भूल गए, तुम्हें कभी याद नहीं रहता है मैक। जाना रो क्यों रही हो, मुझे मालूम है। Happy birthday to you. तो मुझे मिलने क्यों नहीं आए?
उधर मैं क्या जाना, थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए मैं आ नहीं सका। तुम तो समझ सकती हो ना, मैं एयरपोर्ट चला गया था। एयरपोर्ट? तुम एयरपोर्ट क्यों गए थे? आज तो संडे है ना? अब हाँ, आज संडे है और आज तुम्हारा बर्थडे भी है और सारी दुकानें बंद हैं, सिर्फ ड्यूटी फ्री शॉप एयरपोर्ट पे ओपन है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गया था वहाँ एक गिफ्ट लाने, सस्ता मजबूत टिकाऊ। और नहीं, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज। अच्छा मैं पहले फोन करूँ। किससे बातें कर रहे थे? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? बैठ गई। एनीवे, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या? हमारे फ्लाइट के टाइमिंग्स चेंज होने वाले हैं। कब से? अरे तुम्हारी आवाज तो बैठ गई थी। हाँ अभी खड़ी हो गई है, लेकिन कब से? कल से 7:30 बजे लैंड होगी। मतलब 3 घंटे तुम पहले आ जाओगी? मेरा मतलब 3 घंटे में ज्यादा मिलेगी ना। एक बात बताओ, सिर्फ तुम्हारे एयरलाइंस की टाइमिंग चेंज हो रही है या सबके एयरलाइंस की? सबके टाइमिंग्स चेंज होने वाले हैं। थैंक गॉड, बच गया। बच गया? किस बात के लिए? क्या तुमने कहा बच गया? मैंने कब कहा बच गया? अभी तो तुमने कहा बच गया। नहीं जाना, मैंने नहीं कहा बच गया। तुमने कहा कहा कहा। अरे मैं क्यों कहूंगा बच गया? तुमने कहा, मैंने भी सुना। कहा? अरे पागल हो गया, तेरी कसम, बस मैंने नहीं कहा बच गया। ये तो कुछ भी बोलता है, तो पागल है, इसका दिमाग खराब है। मैंने कब कहा बच गया? तेरी शक्ल अच्छी नहीं होती, बूढ़ी तो ठीक है, मार दूंगा यहाँ से, निकलना पाग काट के बच्चा करता। ये स्वीटी कौन है? स्वीटी कौन? स्वीटी कहाँ की स्वीटी, कैसी स्वीटी? स्वीटी नायक, ये खत यहाँ उसी के लिए आया है। मैं जानना चाहती हूँ कौन है ये। क्या का एड्रेस है? स्वीटी नायक। हाँ यही का एड्रेस है। अरे यार तुम्हारा नाम तो स्वीटी नायक नहीं, तो एक अनजान लड़की का खत इस घर में कैसे? यहाँ देखो, क्या ये इसी घर का एड्रेस है? स्वीटी नायक 1300 फ्लैट नंबर 1 बलाविस्ता पोर्ट लुइस मॉरिशस। अरे मैं आपको इसके बारे में बताना ही भूल गया, ये स्वीटी नायक कौन? वही वही आज स्वीटी नायक, फिर से इसका खत यहाँ पे आ गया। वो नीचे ही रहता है अपना, उसकी जो जो बहन है ना उर्मिला की छोटी बहन कोकिला, उसका बेटा है बकुल का जो चाचा है राहुल की, जो शादी हुई थी जिसके साथ रसीला के साथ, तो उसकी जो 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 बहू है उसकी बेटी है, तो उसकी बेटी है। तो हुआ क्या कि पोस्टमैन आया, उसने बोला मैं नीचे घंटी बजा रहा हूँ और कोई दरवाजा खोलता नहीं है। मैंने बोला एक काम कर, तू पानी पी, और उसने बोला कि तुम ये लेटर दे देना। मैंने बोला ठीक है, मैं ये लेटर उसको दे दूंगा। तो ये उसकी बेटी है, ये स्वीटी। स्वीटी आई हुई है, नहीं तो सुनता तब ना। क्या हुआ, तुम दोनों का झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, अब तो शांति शांति है। चलो बाहर जाके खाना खाते हैं। अरे तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? अरे तुमने तो कहा था होटल में खाना खाएंगे, चलो। अरे मैंने तो सिर्फ तुम दोनों का झगड़ा रुकवाने के लिए कहा था। चलो ना जाने पे खाएंगे, प्लीज। अब तो सवाल ही नहीं उठता, अब तो बाहर जाके खाना खाएंगे। नहीं लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। वही करेंगे, हम तो वही चाहते हैं। कड़ी चावल तैयार है। मेरी बात सुनो। तुम्हें कड़ी चावल बनाने के लिए किसने कहा? डार्लिंग, हमारा प्लान क्या था कि हम होटल जाके कड़ी चावल बनाने को, इसने कहा, इसने चार चार बार खाता ये कड़ी चावल। अबे गेंडा हो जाएगा, पागल मोटा हो जाएगा, कितना खाएगा? मैं बोलूं ना इसके तो। लेकिन मैं सिर्फ चीज पकौड़ा खाऊंगी। तो फेंक दिया मैंने। फेंक दिया? किस लिए फेंक दिया? इसलिए, इसकी वजह से, इसने कहा। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, फेंक दो, फेंक दो। सूट पहना है और टेबल भी बुक है, तो चलते हैं ना खाने खाने, प्लीज प्लीज। तो बोलने में क्या जाता है, फेंक दो। हटो, क्या हुआ? गैस खट्टी डकार। एसिडिटी होगी, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ।
स्टूपिड। तुम थोड़ा जल्दी नहीं चल सकते? पहन क्या हूं तो है? ये लो, थोड़ी कड़वी है लेकिन तुम्हारी गैस जल्दी चली जाएगी। थैंक यू। मैं नहा के आती हूं। Yes. क्या कर रहे हैं? सिनेमा चल रहा है इधर, चलो अपना काम करो। मुजरा चल रहा है, सिनेमा नहीं है। क्या हुआ, दवाई क्यों ले रहे हो? ये इसके लिए, इसके पेट में गैस है, चल बैठ। नहीं नहीं, पीले पीले पी। अब इसका सारा गैस निकल जाएगा। ड्रेस कैसी है? फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सेक्सी यू लुकिंग। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम जाके लिफ्ट बुलाओ, मैं जरा इससे बात कर लूं, प्लीज। अरे तुम दोनों कब से बातें कर रहे हो, खत्म ही नहीं हो रही है। प्लीज प्लीज। अच्छा चलो मैं लिफ्ट बुला दी, और एक मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। ओके ओके। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन खाने वाला है और कौन नहीं खाने वाला है, और जो खाने वाला है वो क्या खाने वाला है, जो नहीं खाने वाला है वो क्या क्या नहीं खाने वाला है, बता दो। मैक, मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी, बस हम अलग हो जाते हैं। अच्छा मजाक में भी ऐसी बात मत किया करो, अरे मेरा दिल टूट जाएगा। तुम्हारा कोई दिल नहीं जो टूट जाए, अब हम इसे आगे नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि इस रिश्ते का कोई भविष्य ही नहीं। अच्छा तुम कैसी बात कर रही हो, अरे कल तक तो मैंने यही सोचा कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो। कल तक मैं शाम को नहीं जानती थी ना। ए श्याम भाई, सुनो, मैंने एक पौधा लगाया। कब? बहुत पहले की बात है, तेरे आने से पहले की बात है। उसको मैंने पानी डाला, खाद डाला, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाया, वो बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ, उसके अंदर फूल लगे, फिर फल। एक दिन एक हरामखोर फल को तोड़ के खाने लगा। अब तू बता कि मुझे क्या करना चाहिए। साले को पकड़ के दे। मैं तो बोलता सही बोलता तू। जहाँ चार यार मिल जाए वही बात हो जाए, जहाँ चार यार महफिल रंगीन जम। राम को कील पड़े कैसे झूठा। आई लव यू, आई लव यू टू। सॉरी मैं तुम्हें अकेला छोड़ के यहाँ चली आई। कोई बात नहीं, मैं अभी पानी पी के आती हूँ। I'm sorry, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। जाना सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? जाओ तुम अपने रूम में जाके आराम करो, अपने स्किन का ध्यान रखो, जाओ। कुछ नहीं, मसाज दे रहा उसको, पॉन्डिचेरी मसाज है, हाथ खोल बे। सैम खड़े हो जाओ। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है हमारी जिंदगी के बारे में। ओके। मैं एक मिनट में आया डार्लिंग। ओके। ठीक है, आज से पूजा तेरी और दीप्ति और स्वीटी मेरे साथ। ओके। हम लोग एक दूसरे के बीच में नहीं आएंगे, पक्का? ओके। और सुन, सुबह होते ही इन लोग तीनों जब काम पे चले जाएंगे तो आप उन आराम से बैठ के प्लान करेंगे कि आगे खेल कैसे खेलना है। ठीक है, डन। ओके, गुड नाइट। ओके, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, पूजा उधर है। हाँ। मैं कल के लिए आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा बोल गई ना। मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि मैं समझ गई थी कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम्हें कल रात को ही माफ कर दिया था, औरतों को तो मैं उसी वक्त माफ कर देता। तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही हो। थैंक यू। अच्छा अभी रोमांस का टाइम खत्म हो गया, बाहर जाओ, इसकी फ्लाइट का टाइम शुरू हो गया। ओके चलो, बाय।
कौन है? कौन 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 है? ये अपना सैम की मंगेतर है। चलो दीप्ति जल्दी चलो। एक मिनट मैं जब पहचान करा रहे हो तो दोनों तरह से करानी चाहिए ना। तुम एक दूसरे को नहीं जानते? ये दीप्ति है। दीप्ति जल्दी चलो, लेट हो जाएगी। जल्दी चलो, लेट का टाइम हो गया। नहीं नहीं नहीं, परिचय अभी भी पूरा नहीं हुआ। ये बताओ कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आई? टैक्सी में आई। मेरा मतलब है इस लड़की का इस घर से क्या लेना देना है? अच्छा, इस लड़की का इस घर से क्या लेने देना है? इस लड़की का इस घर से क्या लेना देना? दीप्ति एक एरोस्टेस है और पूजा पूजा शाम की मंगेतर ये भी एक एरोस्टेस है। कमाल की बात है दोनों ही एरोस्टेस है और कमाल की बात है दोनों यूनिफॉर्म भी पहन दिए। चलो चलो चलो। एक मिनट, तुम इस कमरे में क्या कर रही थी? हाँ बताओ क्या कर रही थी? मैं अपना यूनिफॉर्म पहन रही थी। अपना यूनिफॉर्म पहन रही थी? एरोस्टेस है तो यूनिफॉर्म तो पहनेगी ना, कोई बैंक में या ऑफिस में थोड़ी काम कर। अब अब दीदी तेरी चल, फ्लाइट का टाइम हो गया। थैंक्स सैम। तुम इसे जानते हो? ये यहाँ पर क्यों आई है बोलो ना, टेल मी। एक मिनट, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई मंगेतर है? वो क्या है ना कि कल रात को ही हम लोग मिले, कल रात को ही प्यार हो गया और कल रात को ही डिसाइड किया कि हम लोग शादी कर लेंगे। तुम इसे कहाँ मिले? बेले बेसा पाते हैं फ्लोर नंबर 13। हाँ लेकिन ये तो इसी घर का एड्रेस है। ये तो इसी घर का एड्रेस है। हाँ हम ये जो है। मैं इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? मैक, तुमने सुना इसने क्या पूछा? रिश्ता क्या है? ये सब पागल हो जाएंगे, चलो यहाँ से। मैक, जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने अभी भी ठीक से इस लड़की का परिचय नहीं दिया है। ये मेरा मंगेतर है। ये तुम्हारा मंगेतर कब बना? काफी अरसे से ये मेरा मंगेतर है। ये मंगेतर जो काफी अरसे से तुम्हारा मंगेतर है वो तो कल तक मेरा मंगेतर था। हाँ तो ये सही है ना, ये मेरी प्रेमिका थी लेकिन मैं तुम्हारा प्रेमी। वो तो एक ही बात हुई। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, वो तो एक ही बात हुई लेकिन अब ये इसकी प्रेमिका है। अरे लेकिन सैम से तो मैं कल ही मिली हूँ। हाँ हम लोग कल ही मिले और कल ही हमारा प्यार शुरू हो गया। बस सुना अब तो मुझ पर विश्वास करते हो ना? अच्छा अब मैं समझ गई, ये तुम दोनों की मिलीभगत है। हो तुम उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम चाहिए तो मुझसे शादी कर लो, लेकिन बल्कि ऑन द कंट्री तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि तुम अच्छे घराने के हो। डोंट फॉरगेट दैट। शट अप। मतलब इतने लंबे वास्ते तुम हम दोनों के साथ प्यार खेल रहे थे? क्वाइट, जस्ट कीप क्वाइट। बस जो कुछ हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। तुम दोनों ने हमारी आंखें खोल दी, हमें सही रास्ता दिखाया, हमें अपनी मंजिल दिखाई। बस सैम, आज के बाद पूजा तुम्हारी, दीप्ति मेरी। आज के बाद हमारी जिंदगी में और कोई भी लड़की नहीं आएगी। सोचना भी पाप है, याद रखियो। आगे हाथ आगे कर, हाथ आगे कर, रो मत। पूजा हाथ दो, पूजा ज्यादा सोचो मत, हाथ दो, गाड़ी निकल जाएगी। हाँ दीप्ति, ये हुई ना बात, अब हम साथ 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 रहेंगे, ठीक है ना? कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, हमेशा साथ साथ रहेंगे। I love you. I love you. Back, darling. ये दोनों लड़कियां कौन है? तेरी फाट लग गई फाट। तेरे को कैसे मालूम पड़ा? वो नागेश्वर है ना, नागेश्वर? हाँ कौन, वो सफेद ना? हाँ, उसने अंजलि को पैसे देकर तेरे सेटअप के बारे में सब कुछ बता दिया खुल्लम खुल्ला। सत्यानाश हो, इस सफेद नाग का मरवा दिया इसने मुझे। ये लड़की अभी गई और वो तीनों लड़कियां भी गई। वो तीनों कैसे गई? थोड़ी देर यहाँ रुक। हाँ। वो आती है लड़कियां, झाड़ू चाकू बर्तन सब लेके आती होंगी, पूछ लेना, बता देंगी क्या हुआ। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किसके पास जाके मरूँ? ये सुन सुन सुन, इससे पहले कि अंजलि इंडिया चली जाए तू चलकर उसके पैर पकड़कर माफी मांग ले, नहीं तो वो तेरे जीवन में देख लो नसीब नहीं होगी। चल एक मिनट, एयर इंडिया फ्लाइट वो तो चली गई। कितनी देर हुई? आधे घंटे पहले। बस बहुत हो गया, बंद करो ये सब रासलीलाएं, तंग आ गया हूँ। अब मुझ में और ताकत नहीं है, मतलब नहीं है, अब हमसे और सहन नहीं होता। अंजलि, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने उसे सब कुछ बता दिया और इसने तुम्हें माफ भी कर दिया।
सारे फसाद की जड़ी अंगूठी है। चल निकाल इसे, निकाल और पहना भाभी को हमेशा के लिए। चलो भाई सब कुशल मंगल हो गया, वाह वाह, आज से सिर्फ सिर्फ घर गृहस्थी पर ध्यान दो। क्या भागो For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.